हम कोल्लू घोली के सरकारी स्कूल और गौशाला भवन में दलित समाज के लोगों को पगड़ी और नुक्ता कार्यक्रम आयोजित नहीं करने देने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर दलित समाज में आक्रोश व्यक्त है। इधर दलित समाज के द्वारा व मुश्किल बरसते हुए पानी में रसोई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मामले में गौ सेवक समिति ने कहा कि बारिश के समय गौमातों को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। बताया जाता है कि दलित परिवार को स्कूल की चाबी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इधर इस मामले में दलित समाज के लोगों ने बोड़ा थाने में आवेदन दिया है। दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। फिलहाल यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। सरकारी स्कूल प्राचार्य और गौशाला प्रबंध समिति अपना अपना तर्क रख रही है। इधर बोड़ा थाना पुलिस के द्वारा जांच के बाद संबंधितों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। आरदर्श न्यूज के लिए राजगढ़ से पत्रकार राधेश्याम राठौर की रिपोर्ट। हम सर कोल्लू घड़ी से है और हमने गौशाला, हमारे गांव में गौशाला भी है, स्कूल भी है, दोनों में कार्यक्रम की कल चाबी मांगने गए थे। तो चाबी पहले तो कहते रहे दे देंगा कर लेना कार्यक्रम। अब वो कार्यक्रम मैं नहीं कर, चाबी दी जब पिकअप लेके गए सामान लेके, तो वो चाबी को के पास है, ओके पास है। अरे कि गाया की व्यवस्था नहीं होगी, मान जाए गाया रुक रही हसो रही हो कहीं भी नहीं, चाबी कोई ने नहीं दी। एक बाबू नाम का ने किए कि चाबी अभी नहीं दे रहे, जो है वह आपकी बात कर लेंगे। मुझे सूचना मिली और कोल्लू खेड़ी गांव में चांगड़ा समाज का जो कार्यक्रम नुक्ता कार्यक्रम को ग्रामीण द्वारा जो गौशाला समिति है उनके द्वारा गांव हमारा जो कार्यक्रम उसको खंडित किया। और जहां हम कार्यक्रम करना चाह रहे थे, हमें चार दिन पहले से हमने सूचना डाल दी उन लोगों के बीच और हमने बोला हम कार्यक्रम गौशाला में करेंगे। बारिश का कार्यक्रम था, बारिश की वजह से हमने बोला, हमें ग्रामीण लोगों से, हमने सभी लोगों से चर्चा करके हमने बोला हम गौशाला में कार्यक्रम करेंगे। सभी लोगों ने हमें बताया आप गौशाला में कार्यक्रम करें। जैसे आज हमारा कार्यक्रम था, उन्होंने गौशाला में 4 से 5 गाय रोक के और बोल रहे उसमें गौशाला में गाय माता है और हम कार्यक्रम आपके हिसाब से करें। आज देखिए हम समाज के सभी लोग इसी गड़न में ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है। आप देखिए ऐसे ऐसे समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी लोग आए, ऐसे ऐसी ऐसी पल्ले पे बैठ के खाना खिला रहे कि देखो आप। शासन और प्रशासन से मैं मांग करता हूँ, हमने विधायक जी महोदय को भी बात करी, उनसे भी बोला आप हमें चाबी दो और हमारा कार्यक्रम करने दो, कार्यक्रम मत रोको। मैंने यहाँ के समिति के लोगों से बातचीत करी, वो भी मना कर रहे हैं। मैंने और भी लोगों से बात करी, स्कूल की बोला और स्कूल आज चल रहा है इसलिए स्कूल वालों ने बोला यहाँ कार्यक्रम नहीं, आपके हिसाब से कार्यक्रम करो। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।